पेट्रोल और डीजल की ट्रेनें बंद करने के बाद अब भारतीय रेलवे ने एक नया और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रेलवे अब अपनी पैसेंजर ट्रेनों से स्लीपर कोच हटाने वाली है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि अगर रेलवे ने स्लीपर कोचेस हटा दिए तो हम ट्रैवल किसमें करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग आज भी स्लीपर कोच से ही ट्रैवल करते हैं। पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे ने स्लीपर कोचेस के बदले एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्मियों के सीजन में इंडिया में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है और हर कोई थर्ड सेकेंड या फर्स्ट क्लास में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नए कोचेस को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास। तो इस इकोनॉमिक क्लास का जो प्राइस होगा वो हमारे स्लीपर से थोड़ा सा ज्यादा और थर्ड एसी से काफी ज्यादा कम होगा। रेलवे ने ऑलरेडी थर्ड इकोनॉमी वाले कोचेस को लॉन्च भी कर दिया है अपनी कुछ ट्रेनों में और ये चीज काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है पैसेंजरों के बीच में। और इसी रीजन की वजह से रेलवे ने डिसाइड किया कि वह पूरे तरीके से स्लीपर कोचेस को हटा देंगे, ये थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास वाले कोचेस को लेकर आएंगे भारत की हर एक ट्रेन में। और देखा जाए तो इससे हमें यानी कि पैसेंजरों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब तक जो लोग गर्मियों में स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते थे अब वो उसी सेम प्राइस में एसी कोचेस में ट्रैवल कर सकेंगे, वो भी एक प्रीमियम फैसिलिटी के साथ। भारत की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन, उसमें ऑलरेडी इस तरह के कोचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस ट्रेन की जो इंटीरियर का डिजाइन है वो अब हमें इन इकोनॉमिक कोचेस में देखने मिलेगा। रेलवे की ओर से काफी ज्यादा मैसिव बदलाव देखने मिल रहा है, फिर चाहे वो ट्रेनों के लिए हो या कोचेस के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए। जैसा आप सभी को पता होगा कि रेलवे अब अपनी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बंद करने वाली है और उनकी जगह नई हाइड्रोजन ट्रेनों को लाने वाली है। अभी फिलहाल इन ट्रेनों का ट्रायल रन चल रहा है और इन ट्रेनों को बनाने की जिम्मेदारी एलस्ट्रॉम कंपनी को दी गई है। एक बार जब इन हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल रन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा तो जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हाल ही में काफी बड़ी अपडेट आई है, रेलवे 20 नई वंदे भारत को राजस्थान में लॉन्च करने वाली है। और देखा जाए तो ये काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी तक इतनी ज्यादा वंदे भारत हमें किसी और स्टेट में देखने नहीं मिली है। इसी के साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए वो वंदे मेट्रो वाले कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च करी है भारत में। ये जो वंदे मेट्रो ट्रेन होगी वो सिर्फ छोटे डिस्टेंस के लिए ही होगी और इनकी जो स्पीड होगी वो 200 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो ये थे रेलवे के कुछ नए प्रोजेक्ट जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।